नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ई एजुकेशन पत्रिका में स्वागत है। फ्रेंड्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अलग अलग मेडिकल कोर्सेज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किए हैं। जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, जो कि आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे पूरी उसका एग्ज़ाम डेट कब है, कब से कब तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन से कोर्सेज के फॉर्म भरे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, इसके अंदर प्रवेश परीक्षा विज्ञप्ति शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए ये विज्ञप्ति जारी की है। फार्मेसी प्रवेश परीक्षा के अंदर बी फार्मा और डी फार्मा के लिए है। नर्सिंग प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम के अंदर बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने। और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम है उसके लिए बीआरटी, बीएमएलटी और बीओपीएसटी के लिए ये आवेदन आमंत्रित किए हैं। और फिजियोथेरेपी प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम बीपीटी के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये सभी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन एक साथ ही लिए जा रहे हैं। और आगे राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबंधित राजस्थान में स्थित राजकीय और राजकीय स्वयंवित्त पोषित और निजी क्षेत्र में संचालित फार्मेसी, नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों में उपरोक्त वर्णित पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 23-24 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसकी जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो प्रारंभ तिथि है 29/5/2023 को शाम को 5 बजे से लिंक अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ से जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि है, ई मित्र से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वैलेट और यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, वो 18/6/2023 से रात्रि 11:55 बजे तक चालू रहेंगे। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 19/6/2023 रात को 11:55 तक सक्रिय रहेगा ये लिंक। फ्रेंड्स, आवेदन फॉर्म भरने के लिए लास्ट तिथि का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें, क्योंकि लास्ट के अंदर कई विद्यार्थी रह जाते हैं कि लास्ट में भरेंगे तो उस टाइम जो सर्वर है वेबसाइट का वो डाउन हो जाता है और वो फॉर्म नहीं भर पाते। और ऑनलाइन और ऑफलाइन जो प्रवेश परीक्षा होगी वो उसकी डेट अभी फिक्स की गई नहीं है, तो आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निरंतर विजिट करते रहना है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन ही संपादित की जाएगी। ऑफलाइन प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को कोई विचार नहीं किया जाएगा, उनको देखा भी नहीं जाएगा और स्वीकार भी नहीं किया जाएगा। उपरोक्त वर्णित पाठ्यक्रम में बिना प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी पाठ्यक्रम में एवं किसी भी स्तर पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसी प्रकार आपको हम जानकारी प्रोवाइड करवाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और निरंतर देखते रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स।